मेमो की आवाज गए नहीं आ आपने? रही। आवाज, सॉरी सॉरी, मेरा माइक नहीं उठता। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, मेल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और फीमेल के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट में, ठीक है। बीई की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्टिविटी फैक्टर की वैल्यू लगाएंगे और एनर्जी फैक्टर की वैल्यू लगाएंगे। अब हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस है वो एट द एंड, ये सारी स्लाइड कवर करने के बाद हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें अब देख लेते हैं कि एक्टिविटी फैक्टर और एनर्जी फैक्टर की क्या क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास और किस तरह से आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक्टिविटी फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें सबसे फर्स्ट वन जो है वो नो एक्टिविटी। नो एक्टिविटी मीन अगर उस पर्सन की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल या कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम वैल्यू लगाएंगे 1.0 या 1.1। मोस्टली हम लोग 1.0 ही यूज करते हैं जब जीरो एक्टिविटी लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्लाइडली एक्टिव है, स्लाइडली एक्टिव मीन मतलब कोई स्लाइड सी वो एक्टिविटी करता है, लाइक थोड़ी बहुत वॉकिंग शॉकिंग है 15-20 मिनट की, ठीक है, इस टाइप की कोई एक्टिविटी है, तो उसमें हम लोग जो उसका वैल्यू लगाएंगे वो 1.2 या 1.3 लगाए, ठीक है। इसमें हम कोई वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू लगा सकते हैं। उसके बाद अगर उसकी मॉडरेट एक्टिविटी है, मॉडरेट एक्टिविटी में आ गया है कि लाइक मतलब वो जॉगिंग करता है, ठीक है, रनिंग करता है, जिम में कोई एक्टिविटी है उसकी, ठीक है, तो उसमें हम लोग 1.3 से 1.5 तक एक्टिविटी लेवल लगाएंगे। वो हम देख लेंगे कि मॉडरेट एक्टिविटी में वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एथलीट्स हैं वे हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, गेम प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, तो उनके लिए लाइक एथलीट्स के लिए हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो 1.5 से 1.7 लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को फर्दर भी चेक कर सकते हो कि स्लाइड एक्टिविटी में कौन सी चीजें आ सकती है, मॉडरेट एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, और नो एक्टिविटी तो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे भी दिया, फर्दर अगर रिसर्च करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इंजरी फैक्टर। इंजरी फैक्टर अब इस तरह से है कि अगर तो पर्सन हेल्दी है, ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम फिर हम लोग उसका जो वैल्यू है वो जीरो लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सर्जरी हुई हुई है, ठीक है, अगर तो माइनर सर्जरी हुई हुई है, तो हम उसकी वैल्यू लेंगे 1.0 से 1.1, ठीक है। अब माइनर सर्जरी में ये है कि कोई मतलब बहुत छोटी मोटी सर्जरी हुई हुई है, ठीक है, एक मिनट, इसकी एग्जांपल बताती हूँ माइनर सर्जरी की। मैम ठीक है, हमारे पास माइनर सर्जरी, मैम, अगर इंजरी वाला कोई सीन होता है तो फिर हम उसमें सिर्फ इंजरी फैक्टर लगाएंगे ना, एक्टिविटी फैक्टर नहीं लगाएंगे फिर? फिर भी हम एक्टिविटी फैक्टर लगाएंगे, दोनों फैक्टर्स फिर लगाएंगे साथ। दोनों फैक्टर लगाएंगे, ठीक, दोनों फैक्टर आएंगे क्योंकि फॉर्मूले में दोनों ही फैक्टर हैं, ठीक है। अगर जी तो वो पर्सन कोई इंजरी भी नहीं हुई, उसकी कोई एक्टिविटी भी कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग इंजरी की जो वो वैल्यू जीरो आ जाएगी हमारे पास, एक्टिविटी की जब 1.0 आएगी तो वो वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो वन वो ही सेम वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। जी मैम, अगर सर्जरी भी हुई हुई है, लाइक अगर माइनर सर्जरी है, माइनर सर्जरी में लाइक कोई डेंटल वगैरह की है या ब्रेस्ट बायोप्सी हुई हुई है, ठीक है, इस तरह की माइनर सी सोयर्स जो, सॉरी, माइनर जो सर्जरी है छोटी मोटी सी जो होती है, ठीक है, उसमें जो हम लगाएंगे वो 1.0 से 1.1 है, मतलब ऐसी सर्जरी जो कि ना होने के बराबर ही है, कोई ज्यादा उसका
मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसमें वैल्यू हम जो हमारे पास है वो 1.0 1.1 है। अगर तो मेजर सर्जरी हुई हो या मेजर सर्जरी में कोई एक्सीडेंट की सर्जरी, ठीक है, कोई ट्रांसप्लांट है, ठीक है, हार्ट का कोई मसला है उसकी सर्जरी, इस तरह की जो सर्जरी है उसमें फिर हमारा जो फैक्ट्री जो फैक्टर होगा, इंजरी फैक्टर जो होगा वो 1.3 से 1.9 है। अब हमने ये खुद वहां पे देखना है कि मेजर जो सर्जरी है वो किस पार्ट की हुई हुई है और किस तरह से हुई हुई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज उठाएंगे 1.3 से 1.9 तक, ठीक है। अब इतनी तो अंडरस्टैंडिंग सबको हुई होती है कि कौन से ऑर्गन की सर्जरी हुई है और उसको कितनी सीवियर हो सकती है। उसके बाद है इन्फेक्शन, ठीक है, अगर तो माइल्ड इन्फेक्शन है, लाइक जैसे फीवर वगैरह हो गया, कफ वगैरह है, फ्लू वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें 1.0 से 1.2 है। मॉडरेट कोई इन्फेक्शन हो गया, लाइक डेंगी हो गया है, मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, इस तरह की फीवर में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 1.2 से 1.5 आ जाएगा वो, ठीक है। अगर स्वेयर इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई अलग अक्सर मतलब चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है बहुत स्वेयर वाला, ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग वैल्यू 1.4 से 1.8 कर देंगे। अब ट्रोमा जो है, ट्रोमा की कंडीशन अगर है, ठीक है, ट्रॉमा किस कंडीशन को कहते हैं, एनीवन? कैंसर एनीवन एल्स? या मेंटल कंडीशन है कोई, एक शॉक। जी, मेंटल कंडीशन, शॉक, मोस्टली लाइक कोई शॉकिंग न्यूज सुनने के बाद या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाए, लाइक कोई बहुत स्वेयर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो एकदम से वो सदमे की जो कैफियत होती है ना, ठीक है, आपका कोई बहुत प्यारा, बहुत करीबी आपसे जुदा हो जाए, ठीक है, किसी की डेथ हो जाए, उसके बाद जो कंडीशंस होती है ना, तो उसको जो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ट्रोमा, ठीक है। अब उसमें उन्होंने हमें बताया कि अगर स्केलेटल ट्रॉमा, लाइक अगर वो ट्रॉमा जो हमारी फिजिक को, ठीक है, हमारी बॉडी को मतलब अफेक्ट कर रहा है, लाइक पैरालाइज हो गए हैं इस तरह से, ठीक है, तो उसमें जो इंजरी फैक्टर है वो 1.2 से 1.3 आएगा, ठीक है, लाइक फिजिकल जो अब हमें हो गया है, फिजिकल हम लोग मतलब कुछ बोल नहीं रहे, कुछ लाइक फिजिक से जो रिलेट है, हमारी फिजिकल जो अपेयरेंस पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो ब्लंट ट्रॉमा है। ब्लंट ट्रॉमा जो है वो इम्पैक्टफुल फोर्स ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब किसी बॉडी के एक हिस्से पे, ठीक है, मतलब शॉक हो गया, लाइक जैसे कौन सी वो कंडीशन है, बच्चों मुझे नाम नहीं आ रहा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है, एक तो एपिलेप्सी है, दूसरा कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को पता हो अगर? अल्जीमर्स डिजीज होती है एक, और पार्किंसंस डिजीज। हाँ, वो डिजीज, उसमें भी मतलब किसी एक साइड पे जो है वो अफेक्ट होता है बॉडी का, वो जो साइड है, वो जो बॉडी का पार्ट है वो जो है वो वर्क करना छोड़ देता है, ठीक है। स्केलेटल ट्रॉमा का मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, उस ब्लंट ट्रॉमा, लाइक मतलब किस फिजिकल ट्रॉमा, किसी एक स्पेशल पार्ट पे जो है वो इफेक्ट हो गया आपकी, ठीक है, उसमें जो है हमारा फैक्टर वो 1.1 से 1.35 है। स्केलेटल में जो है वो ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, ठीक है, लाइक मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट का कोई इश्यू बन गया है ट्रॉमा की वजह से, लाइक शॉक की कंडीशन की वजह से जो है हमारे ऑर्गन पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको स्केलेटल कहते हैं, और उसमें जो इंजरी फैक्टर है वो 1.2 से 1.35 है। उसके बाद अगर बर्न है, अगर कोई मतलब जल गया है, बर्न हो गया, तो उसमें अप टू 40% बॉडी सरफेस, ठीक है, उसमें हम अगर किसी की बॉडी अप टू 40% तक जो है वो बर्न हो गई है, ठीक है, तो उसमें एरिया के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि कितना एरिया बर्न हुआ है, ठीक है, उसमें हम लोग 1.0 से 1.5
फैक्टर लेते हैं, अगर तो कोई 100% तक मतलब बर्न का शिकार हो गया, ठीक है, बर्न हो गया तो उसपे 1.95 है। मैं ना आप लोगों के साथ बर्न की वो शेयर करूंगी, जिसमें उन्होंने बॉडी पार्ट्स बताए हुए कि कितने बॉडी पार्ट को हम लोग कितना मतलब लेते हैं, अगर कोई बर्न हो गया तो उसमें कितना कितना पार्ट आता है, कि लाइक मतलब हेड, अपर हेड और लोअर हेड, ठीक है, इस तरह से मतलब बर्न में हम लोग कितना कितना पार्ट उसका कंसीडर करते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, कि 100 बनते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बर्न की मैं ना आपको साथ के 2-3 स्लाइड शेयर करूंगी, तो उसमें ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस मुझे याद करवा देना, नेक्स्ट कर दो, कर दो। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि एस्टिमेट एनर्जी नीड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेस, अगर कोई स्ट्रेस की कंडीशन में है तो फिर हमने उसकी जो एनर्जी एस्टिमेशन है वो किस तरह से निकालनी है, क्विक मेथड है, ठीक है, ये सिर्फ एक जनरल एज आपकी नॉलेज के लिए है, नहीं तो अदरवाइज हम लोग फॉर्मूला लगा के ही कैलरीज डिपार्टमेंट फाइंड करते हैं। इसमें ये है कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसके बेस पे जो है वो हम लोग करेंगे 30 to 30, अगर कोई नॉर्मल स्ट्रेस है किसी को, ठीक है, तो उसमें 30 to 35% पर बॉडी वेट आ जाएगा, ठीक है, जो बॉडी का जो भी हमारे पास वेट है ना उसको हम लोग 30 या 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगी रिक्वायरमेंट वो हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू हम कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं एक पर्सन है जिसका वेट है 60, ठीक है, 60 वेट है, ठीक है, और उस पर्सन को जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यूज आती है हमारे पास, करें जरा, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है एटीन जी? हंड्रेड 1800, ओके 1800, ठीक है। अगर किसी को बहुत नॉर्मल सा मतलब मामूली सा कुछ स्ट्रेस है, ठीक है, तो उस पे हम लोग उसकी 30 वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोग उसके बॉडी वेट के साथ कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्विक कैलिक मेथड आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन लायक है, तो फिर हम लोग उसकी वैल्यू 32 ले लेते हैं, 34 इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्टिव सर्जरी, अगर किसी की इलेक्टिव सर्जरी हुई है, लाइक माइनर सर्जरी हुई है, तो उसमें हम लोग, क्योंकि सर्जरी में भी स्ट्रेस फैक्टर होता है ना, तो उसमें हम लोग 35 to 40 के बीच की वैल्यू ले लेंगे, जो बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके बीच में किसी भी वैल्यू से, ठीक है। स्वेयर इंजरी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है, या स्वेयर कोई सर्जरी हुई हुई है, उसमें उसमें भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 to 40 के बीच आती है, ठीक है। अब हम इंजरी की टाइप देख लेते हैं कि एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है या वैसे कोई और रीजन था। उसके बाद एक्सटेंसिव बर्न और ट्रॉमा, अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब जल गया है या किसी को बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, तो 45 to 55 के बीच की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एक क्विक मेथड है सिर्फ डिजीज पेशेंट का डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, कि आया भाई जो जो मतलब उनको जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनका स्ट्रेस फैक्टर भी देख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी वेट है हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितनी कैलोरीज आ रही है, ठीक है। अब आपने इस तरह से नहीं करना, अगर आप एक हेल्दी पर्सन का कर रहे हैं ना, तो आपने हमेशा फॉर्मूला ही यूज करना है, बल्कि अगर डिजीज का भी कर रही है तो आपने फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले के बाद फिर आपने क्विक मेथड देखना है कि आया दोनों वैल्यूज मैच करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, अब इसमें हमारे पास एनर्जी नीड्स बेस्ड ऑन वेट एंड एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें हमें वो हमने जो थी वो इंजरी फैक्टर की बेस पे एनर्जी रिक्वायरमेंट की थी स्ट्रेस की बेस पे, ठीक है। अब हम लोग एनर्जी फाइंड कर रहे हैं वेट और एक्टिविटी की बेस पे, ठीक है। अगर तो कोई ओवर वेट है, ठीक है, उसका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वेट जो है वो ओवर वेट है, ठीक है, और उसके जो एनर्जी नीड्स होंगी वो 20 to 25 किलो कैलोरीज होंगी,
ठीक है, देंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी अगर वो मॉडरेट एक्टिव है तो 30 किलो कैलोरी पर केजी वेट, और अगर एक्टिव है तो 35 किलो कैलोरीज पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लाइक मतलब जो उसका बॉडी वेट है उनको उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारे पास उसकी जो है वो एनर्जी नीड्स आ जाएगी, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में 30 लेंगे, मॉडरेट 35 लेंगे, एक्टिव 40। ये सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए है, ठीक है। आपने फॉर्मूला ही यूज करना, मैं बार बार कह रही हूँ। अंडर वेट कोई है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, 30 इंटू, ठीक है। बॉडी वेट आप लोग एज्यूम कर ले 60 है, 30 के साथ करा रहे हैं तो 18 आ जाएगा, ठीक है। मॉडरेट है तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 60 को, एक्टिव है तो 45 मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट राइट करें। अब यहाँ हमारे पास है टाइप ऑफ एक्टिविटी, हमने वहां पढ़ा था ना, एक्टिविटी है जीनो एक्टिविटी है, स्लाइडली एक्टिविटी है, मॉडरेट एक्टिविटी है। यहाँ हमें उन्होंने टाइप्स बताई हुई है कि कौन कौन किस किस एक्टिविटी में आती है। सेडेंटरी एक्टिविटी जिसे हम लोग नो एक्टिविटी भी बोलते हैं, उसमें ईटिंग, राइटिंग, वॉचिंग टेलीविजन, वर्किंग ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग, टेबल, ऑफिस वर्क, ठीक है। लाइट एक्टिविटी में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, वॉशिंग यूटेंसिल, डस्टिंग, आयरनिंग, ठीक है। लाइट वर्क, फास्ट कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, ये लाइट एक्टिविटी में है। मॉडरेट एक्टिविटी में मॉपिंग, ग्रूमिंग, ब्रिस्क वॉक, मॉपिंग ग्रूमिंग, ये मतलब घर की झाड़ू वगैरह करना, झाड़ू पोछा करना, ये ठीक है। विगोरियस एक्सरसाइज में वॉशिंग क्लॉथ्स विद हैंड, ठीक है। वाइट वॉशिंग लाइक हाथों के साथ कपड़े धोना, ठीक है, उसमें भी हाथों की जो है एक्सरसाइज होती है, वाइट वॉश करना। हैवी ब्रिस्क वॉक, ठीक है। प्लेइंग गोल्फ एंड गार्डनिंग। और सेंट्रोरियस एक्टिविटी में स्विमिंग, जॉगिंग, बाइसाइकिलिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड अदर गेम, जिन्हें हम एथलीट्स एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमें टाइप्स बताई हुई थी यहाँ पे। नेक्स्ट करें, उसके बाद हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नॉर्मल जो पर्सन है उसके लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो 80.8 to 1.0 GM पर KG बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। लाइक जितना बॉडी वेट है ना उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है 0.8 के साथ, तो हमारे पास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करें, मैं मॉडरेट एक्टिविटी बताती हूँ। प्रीवियस स्लाइड, सॉरी। मॉडरेट एक्टिविटी में हमारे पास जो हम लोग वॉक करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक जो होता है वो मोपिंग और ब्रूमिंग, मोपिंग और ब्रूमिंग जो घर का झाड़ू पोछा करते हैं ना, ठीक है, जो मतलब झाड़ू लगाते हैं जिस तरीका से, फिर बैठ के पोछा लगाना फर्श पे, ठीक है, वो मॉडरेट एक्टिविटी में आ जाता है कि उससे भी एक्सरसाइज होती है एक तरह की। क्लियर है कुरतुलैन? ओके, नेक्स्ट ऐड करें। ओके, हम लोग एस्टिमेटिंग प्रोटीन नीड्स की बात कर रहे थे। प्रोटीन नीड्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें हमने प्रोटीन रिच डाइट देनी होती है, कि हम लोग उनकी एक क्विक से मतलब कैलकुलेशन कर लें कि उनको कितनी प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन है तो उसको 0.8 ग्राम पर बॉडी केजी वेट के अकॉर्डिंगली जरूरत है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं 17 जो kgs है वो वेट है, ठीक है, तो उस प्रोटीन जो 1 ग्राम में हमें चाहिए वो 0.8 है, ठीक है। एक तो हम लोग 70 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट की। इसको हम करें जरा, क्या आंसर आता है? जीरो पॉइंट एट प्रोटीन की वैल्यू है,
और इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बॉडी वेट के साथ। बॉडी वेट है 70 kg। फिफ्टी सिक्स। गुड, ठीक है। हमारे पास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ गई 56 ग्राम। अब हमने दिन में जो है वो 56 ग्राम जो है वो अपना प्रोटीन पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फीवर है, फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन है, उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उसमें है कि 1.5 से 2 माइक्रोग्राम जीएम, हाँ ग्राम पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि पर्सन को फीवर है, फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन है, किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू लगाएंगे। लाइक हम सपोज कर लेते हैं वेट 70 kg था, ठीक है। कोई फीवर था तो हमने फिर उसमें 1.5 वैल्यू लगा ली, तो वो हमारे पास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। उसके बाद थर्ड वन है प्रोटीन डिप्लेटेड। एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की अगर है, लाइक जैसे बच्चों में पोशाकोरा मरासमस की डिजीज होती है, ठीक है, उसमें उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो वहां पे हम लोग उनके बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमें वैल्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड दी गई है 1.8 से 2। अगर एक्सटेंसिव बर्न भी हो जाए तो उसमें भी प्रोटीन एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उसमें हम 1.5 से 3 ग्राम, डिपेंड करता है कि कितना बर्न हुआ है, ठीक है, कितने परसेंट है, उसको बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये क्विक सा मेथड है। आप जो बॉडी वेट है उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है ओबेसिटी एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को किस तरह से हमने करना है, हमने इस फॉर्मूले को इस तरह से करना है कि हमारे पास जो एक्चुअल बॉडी वेट है, सपोज कर लो किसी पर्सन का हमारे पास है 90 kg, ठीक है, माइनस जो IBW आइडियल बॉडी वेट है वो उस पर्सन का आ रहा है 65, ठीक है। वो 65 आ रहा है, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज लिख देती हूँ, उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं 0.2 25 के साथ, और उसमें प्लस कर देते हैं IBW आइडियल बॉडी वेट। अब इसको कैलकुलेट करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ये ओबिसिटी एडजस्टमेंट है। अगर आपने किसी ओबीस पर्सन को डाइट प्लान देना है तो आप उसकी एडजस्टमेंट निकालते हो कि एक्चुअली में उसकी किस तरह से एडजस्ट होगी, ठीक है, बॉडी वेट जो किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला कि एक्चुअल एक्चुअल बॉडी वेट, लाइक जो उसका रिसेंट बॉडी वेट, करंट बॉडी वेट हो वो, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसके IBW आइडियल बॉडी वेट को, और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.25 के साथ, और उसको प्लस कर देंगे IBW में आइडियल बॉडी वेट में। ये कैलकुलेट करें और बताएं क्या आंसर आता है। सेवेंटी वन पॉइंट टू फाइव, ठीक है। ये हमारे पास 71.25 आ गया, के मतलब उसका जो 71, ठीक है। ओके गुड, हदीका सबा 71, ठीक है। लाइक हमने उसका अब जो 90 से उसको हमने लेकर आना है 71 में, एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, ठीक है, कि अगर 65 उसका आइडियल बॉडी वेट था, नहीं तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं 71 तक, कि भाई हमने उसको इस वाली वैल्यू तक लेकर आना है 90 से, ठीक है। ये होता है ओबेसिटी एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला।
बेसिकली इसमें हम लोग वैल्यू सिर्फ अपने माइंड सेट कर लेते हैं कि अपना जो बॉडी वेट 65 था, हमें लगता है कि नहीं अभी ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं कर सकते, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, जो वैल्यू आती है हम कहते हैं नियर अराउंड इसके हमें इसको लेकर आना है, 71 आई है, 75 तक भी वो पर्सन कर लेना तो वेल एंड गुड है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये जब किसी ओबीस पर्सन का कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, राइट बैंड बनाते हैं, तो तब हम लोग ये एडजस्टमेंट निकालते। ओके जी, फर्स्ट वन स्लाइड पे आ जाए, हम लोग जरा एक बार प्रैक्टिस कर लें अपने डीईई और टीईई की। रेस्ट क्यों नहीं हो रहा?